जब इस कव्वाली में प्राण साहब और बिंदु में मुकाबला होता था तो पर्दे पर सिक्कों का ढेर लग जाता था। राज की बात कह दो तो जान में फिर में। प्राण साहब ने जिस खूंखार अंदाज में पर्दे पर इस कव्वाली को पेश किया और रफी साहब ने उनके लिए आवाज दी, वो हमेशा हमेशा के लिए मिसाल बन गई। उठे आंखें जो महफिल में वो आंखें फोड़ के रख दूं। आशा भोसले जी गजलों और कव्वाली की माहिर गायिका मानी जाती थी, लेकिन इस गाने में रफी साहब ने उन्हें ऐसी चुनौती दी कि सब दंग रह गए। मुझे तू भी न जाने। ये कव्वाली एक सलीके के साथ शुरू होती है, लेकिन आखिर में तू तड़ाक और धमकियां देने की भी नौबत आ जाती है। तुम्हारी जात क्या है? तेरी औकात क्या है? लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कव्वाली बिल्कुल सही घटना पर बनी थी। इस कव्वाली में संगीतकार सोनी कौमी रफी साहब के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद रफी साहब ने उन्हें भरोसा देने के लिए ऐसा काम किया कि वो जिंदगी भर के लिए उनके मुरीद बन गए। जो नावाकिफ है मुझसे जाके ये कह दो। दोस्तों, इस खास पेशकश में हम बात करेंगे फिल्म धर्मा की अमर कव्वाली और इसके जरिए मोहम्मद रफी साहब की दरिया दिली की। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। प्राण का खूंखार अवतार, बिंदु का जाना पहचाना सेक्सी शातिर महिला का रोल, आशा जी की नशीली आवाज और रफी साहब का कमाल, धर्मा फिल्म की इस सदाबहार कव्वाली का बस इतना ही फसाना है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। रफी साहब ने इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान एक बार फिर से ये साबित कर दिया था कि वो केवल सुरों के शहंशाह ही नहीं बल्कि दिल के भी राजा हैं। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। इस कव्वाली ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी और 1973 में आई फिल्म धर्मा को सुपरहिट बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसमें जिस तरह पर्दे पर प्राण साहब और बिंदु का और पर्दे के पीछे रफी साहब और आशा जी के बीच सुरों का मुकाबला होता है, उसके जादू में दर्शक बंध गए थे। और सिंगल स्क्रीन सिनेमा के उस जमाने में कव्वाली पर सिक्कों की ऐसी बौछार होती थी कि उन्हें उठाने वालों की महीने भर की तनख्वाह निकल आती थी। राज की बात कह दो तो जान में फिर में फिर क्या। ये वो जमाना था जब बॉलीवुड के ज्यादातर निर्माता निर्देशक किशोर कुमार जी की लोकप्रियता की आंधी में बह रहे थे। वो संगीतकारों की पहली पसंद बन गए थे। रफी साहब का वक्त थोड़ा कमजोर चल रहा था। उन्हीं दिनों संगीतकार सोनी कौमी फिल्म धर्मा में ये कव्वाली लेकर आए, जिसने सबको ये साफ साफ बता दिया कि कोई भी रफी साहब को नजरअंदाज करने की भूल ना करे। बड़े जो हाथ तो उस हाथ को मैं तोड़ के रख दूं। सोनी कौमी रिश्ते में चाचा भतीजे थे। चाचा का नाम था मनोहर लाल सोनिक और भतीजे का नाम था ओम प्रकाश। मनोहर लाल जी की आंखें बचपन में ही चली गई थी। उन्हें कुछ नहीं दिखता था, लेकिन संगीत को लेकर उनकी समझ जबरदस्त थी। उन्होंने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत दिए। हालांकि इसके बावजूद इस जोड़ी को ज्यादा शोहरत नहीं मिल पाई। कुछ इसी तरह की किस्मत गीतकार वर्मा मलिक की भी थी, इसीलिए संगीतकार सोनी कौमी और वर्मा मलिक मिलकर काम करते थे। इस तिकड़ी ने फिल्म संगीत को कई नायाब तोहफे दिए। धर्मा की जिस कव्वाली की बात हम कर रहे हैं, उसके बनने का भी बड़ा मजेदार किस्सा है। ओमी जी ने विविध भारती के एक कार्यक्रम में इसके बनने के पीछे की पूरी कहानी बताई थी। ओमी ने कहा था कि बंबई में कव्वाल बहुत हैं और अक्सर इनके बीच कव्वाली के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। एक बार हमारे पास भी एक कव्वाली कॉम्पिटिशन में जज बनकर आने की रिक्वेस्ट हुई। हम उस कॉम्पिटिशन में चले गए। वहाँ पर कव्वाली शुरू हुई, पर थोड़ी देर में ही कव्वाल एक दूसरे को गालियाँ देने लगे और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उनमें मार पिटाई शुरू हो गई। कुछ कव्वालों ने चाकू निकाल लिए। ये देखकर हमने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। हम वहाँ से निकलने लगे तो कव्वाली कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइजर हमसे आकर बोला कि आप इस कार्यक्रम के जज हैं, जाने से पहले अपना फैसला तो बताते जाइए। हमने हाथ जोड़कर कहा कि जजमेंट सुनने के लिए आप किसी चाकूबाज को ही बुलाइए, ये हमारा काम नहीं है। जब फिल्म धर्मा के लिए कव्वाली की ऐसी ही सिचुएशन आई जिसमें प्राण और बिंदु के बीच संगीत की टक्कर होनी थी, तो हमें वो घटना याद आ गई।
जिससे ये कव्वाली तैयार करने में बहुत मदद मिली। नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को। हम सब जानते हैं कि फिल्मों में मुजरे के सीन करने में रेखा सबसे मशहूर हैं और उनके साथ आशा भोसले की जोड़ी भी जमती है। गजल और कव्वाली में आशा जी ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। इस कव्वाली में भी आशा जी पूरे फॉर्म में दिखती है। लेकिन संगीतकार सोनी कोमी जी को लग रहा था कि इसमें रफी साहब की परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर है। वो आशा जी के परफॉर्मेंस के आगे दबे हुए से लग रहे हैं, मगर रफी साहब को ये कव्वाली गाने में बहुत मजा आया था। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। वो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट थे, वरना वो खुद तब तक रिटेक लेते रहते थे जब तक कि संगीतकार ओके ना कर दें। उन्होंने ओमी जी की चिंता को दूर करते हुए कहा कि भाई रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई है, ये कव्वाली खूब चलेगी। नगर का तीर जो छोड़ूं, तीर को ऐसे तोड़ूं। उधर ओमी जी उनकी बात नहीं काट सकते थे क्योंकि वो उनका बहुत सम्मान करते थे और इसलिए अनमने ढंग से उन्होंने ओके कर दिया। लेकिन रफी साहब को लगा कि संगीतकार का पूरी तरह से संतुष्ट होना जरूरी है। उन्होंने ओमी जी से कहा कि हम दोनों सुबह इस कव्वाली की रिकॉर्डिंग सुनेंगे और अगर लगेगा कि इसमें कोई कमी है तो इसे फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। राज की बात कह दो तो जान मैं दिल महफिल में। सुबह रफी साहब अपनी गाड़ी से ओमी जी के घर पर गए और उन्हें अमेरिका से लाए गए अपने स्पीकर पर ये कव्वाली सुनाई। परफेक्ट रिकॉर्डिंग थी तो ओमी जी भी बोले, आपने ठीक कहा था रफी साहब, दोबारा रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रफी साहब अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगे। तभी ओमी जी को ध्यान आया कि रफी साहब के स्पीकर तो यहीं छूट गए हैं। वो तुरंत स्पीकर लेकर रफी साहब की ओर दौड़े और कहने लगे, रफी साहब ये स्पीकर तो लेते जाइए। तो रफी साहब बोले, इन्हें आप ही रख लीजिए, ये मैं आपके लिए ही लाया हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन स्पीकर की कीमत 20,000 रुपए थी, जबकि कव्वाली के लिए रफी साहब को फीस मिली थी केवल 3,000 रुपए। हुकूमत है मेरी दरिया, समंदर और किनारों पर। तो ऐसे दिलदार थे मोहम्मद रफी साहब। रफी साहब की ऐसी दरिया दिली देखकर ओमी जी के मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। अब बात इस कव्वाली की सिचुएशन के बारे में। इसमें प्राण साहब का टाइटल रोल था। वो एक खूंखार डाकू बने थे जो पुलिस को बहकाने के लिए एक नवाब के भेष में भी रहते हैं। रेखा को कोठे से निकालकर एक सम्मानित जीवन जीने का मौका देते हैं। इस गाने में कोठे की मालकिन के इशारे पर बिंदु सबके सामने रेखा का राज जाहिर करने का इशारा दे रही है। इसी पर प्राण साहब राज न खोलने की चेतावनी देते हैं। आज उनसे जाके ये कह दो। इसमें प्राण साहब अपने चिर परिचित अंदाज में सामने आते हैं। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और मजेदार फिल्मी किस्से के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।